इजी मेथड भी आपको करके बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइट। तो जैसे आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन, अभी क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर वापस 42, फिर रूट के अंदर 42, फिर रूट के अंदर 42, ये जा रहा है आपके इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो आपसे पूछा है, इसका वैल्यू भी बताओ, उस समय कैलकुलेटर तो होता ही नहीं हमारे पास एग्जाम के अंदर, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, इसको सिंपल सा फैक्टराइज कीजिए, इसके गुणनखंड करना, ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टराइज करने हैं इसके कि उन दोनों का अंतर वन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने किया 7 × 6, क्या किया हमने 7 × 6, तो 6 × 7 = 42, तो इनको मल्टीप्लाई करने का हमको 42 मिल रहा है। तो अब इसके अंदर हमको दो वैल्यू मिली, तो आप पूछ चुके कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के आंसर आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देखिएगा ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। तो इसमें आंसर यदि पॉजिटिव साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि नेगेटिव साइन होता है इस जगह, क्या कह रहा हूं मैं, यदि यह नेगेटिव 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 माइनस का यदि साइन होता है तो इसका आंसर ये होता। तो यदि पॉजिटिव है तो आंसर ये होगा, यदि नेगेटिव है तो इसका आंसर ये होगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 420 प्लस रूट के अंदर वापिस 420, फिर रूट के अंदर 420, फिर प्लस, ऐसे करके ये जा रही है कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रही है, और आपसे कहा गया इसका वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा है, इसका भी फैक्टर कर देते हैं, इसका फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फैक्टर होता है 20 × 21, जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है 420। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव 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 नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, और हमने इसे जब फैक्टर किया तो हमको क्या मिला, 20 और 21 मिला। तो प्लस साइन है, इसका मतलब बड़ा वाला कौन सा है, 21, हमारा ये आंसर हो जाएगा, राइट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। यदि नेगेटिव होता तो आंसर 20 होता, ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में कोई दिक्कत हो गई, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, हमको दे रखा है 56 प्लस रूट के अंदर 56, फिर प्लस 56, फिर रूट के अंदर 56 प्लस, फिर रूट, फिर 56 प्लस, फिर डैश इनफाइनाइट पे जा रहा है, बोला कि इसका वैल्यू बताओ। तो वही वाली बात है, आपको फैक्टराइजेशन वाला रूल समझ में आ गया, इसका फैक्टर कर दो, कितना होता है 7 × 8 कितना 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब आंसर क्या होगा, पॉजिटिव साइड देखो, आंसर लगा दो बड़ा वाला, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे इनके आंसर, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन है 72 प्लस के अंदर रूट के अंदर चल रहा है इनफाइनाइट है, और निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल सा कर दो, इसका फैक्टर कितना होता है 9 × 8, ठीक है, आपने फैक्टर करके 9 × 8 मल्टीप्लाई करने का 72 आ रहा है, और इनका डिफरेंस भी कितना है, इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सबका डिफरेंस 1 आएगा फ्रेंड्स, यदि 1 नहीं आ रहा तो आपको फैक्टर गलत है, इस मेथड से अप्लाई करना ही नहीं है, यदि नहीं होगा 72 इसका फैक्टर हो रहा है, इसलिए फैक्टराइजेशन हो रहा है 9 × 8 72 आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन देखा, पॉजिटिव साइन देखते क्या देखेंगे, बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी कौन सी है, 8 और 9 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 9, राइट फ्रेंड्स। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की और, राइट। टाइप 1 के बाद अब देख लेते हैं फ्रेंड्स टाइप 2, यदि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन हो तो हम उन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है नेगेटिव 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 साइन है स्टूडेंट्स, राइट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो हमने पॉजिटिव वाले केस में किया, सिर्फ नेगेटिव वाले केस में भी क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स 4 × 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन देखते हुए हम आंसर किसको लगा देंगे, 3 को आंसर लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया 3। इसको देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
फोर टू जीरो, अभी अभी हम लोगों ने फैक्टर किए थे, उसके फैक्टर क्या किए थे बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए, क्या फैक्टर किए थे? 20 और 21 ये किए थे, तो पॉजिटिव साइन होता हम बड़े वाले को ले लेते हैं, नेगेटिव साइन देखते हैं हम आंसर किसको लगा देंगे, 20 को लगा देंगे, बिल्कुल इजी हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132, वो भी चल रहा है नेगेटिव के अंदर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसको कर देते हैं, बिल्कुल 20 या 11, 12 कुछ फैक्टर, देखो फैक्टर क्या जाएगा, 12 × 11 हो जाएगा, राइट 11 × 12, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा, क्या तो नेगेटिव साइड देखते हुए आंसर क्या लगा देंगे, ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 30, वो भी क्या चल रहा है नेगेटिव अंदर, इसका फैक्टर करेंगे कितना जाएगा, 5 × 6 चल जाएगा, 5 × 6 नेगेटिव है तो 5 आंसर, पॉजिटिव होता तो 6 लगा देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, सिंपल सा फ्रेंड्स, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 की, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आने वाली हो शॉर्ट ट्रिक के साथ वो आपको तुरंत मिल जाए, तो इसी तरीके से हम लोग सारे वीडियो ला के आते रहेंगे, सारे टॉपिक जितने मैथ्स के टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है मैथ्स को बिल्कुल छुटकियों में कर लोगे फ्रेंड्स, इतना कुछ हम लोग लेकर के आने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चल रहा है उनको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया, अब हटाने से हमको क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं हुआ, और फायदा हुआ क्या, फायदा हुआ यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यदि 12 मल्टीप्लाई में चल रहा हो, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव और इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो बड़े मजे हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है वही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा, आंख बंद करके आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे मार्क करके आना है, अब आंख बंद करके कैसे लगाना है बता भी जानो, लेकिन लगाना आंसर यही है हमको, ठीक फ्रेंड्स, चलो देखते हैं नेक्स्ट है 5 पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हटा दिया हम लोगों ने, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसका मतलब इसका आंसर 5 होगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन 420 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा जो है 420 है तो 420 ही रहेगा, ज्यादा सोचने का जरूरत, इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√2 इनफाइनाइट तक जा रहा है और 7 जा रहा है रूट के अंदर, ना प्लस है ना नेगेटिव है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट जरूर देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन अगले टाइप में आने वाले हैं, तो ये है इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं, तो 7 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं रूट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 7 ही होगा, जो वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर होगा, जो वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर होगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे मैं चैनल को, आगे से आगे बढ़ाते जाएं। टाइप 3 के बाद अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड टाइप 4, अब इस टाइप 4 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी प्लस थे माइनस थे वो भी हटा दिया हमने टाइप 2 टाइप 3 के अंदर, इस वाले में तो हम लोगों ने इनफाइनाइट को भी हटा दिया, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देखते हैं, कि टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है थोड़ा सा फिक्स है, हम लोगों ने पहले ही करता है, सारे क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाओगे, यदि करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी सोल्यूशन लेने वाले हो, तो स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो आ जाए जिसमें प्लस माइनस भी नहीं है और मल्टीप्लाई भी चल रहा है और इनफाइनाइट भी नहीं है, अब इनका आंसर फिक्स हो चुका है, अब आंसर आपका फिक्स नहीं है जो पहले हम लोग कर रहे थे, अब इसका थोड़ा जल्दी चेंज करके एक फिक्स पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे 2n लिखा हुआ है आपके पास में, डिवाइडेड बाय 2n लिखा हुआ है, क्या चीज है अभी आपको पूरे डिटेल में समझा देंगे, 2n 2n को एक बार लिख दो, ऊपर वाले में से एक माइनस कर देना है, क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है, अब ये क्या है, ये किसी की पावर है, क्या है, किसी की घात है, किसकी घात है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड उसकी घात है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 की घात है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आंसर निकलेगा, देखिएगा कैसे निकलेगा, n मतलब है कि आपके पास 12 कितनी बार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 कितने का बार लिखे हुए हैं, 5 टाइम लिखे हुए हैं, तो 2 की पावर ये 12 ऐसे चीज रहेगा, अभी इसको हटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना 2 की पावर हो गया 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5
टू की पावर फाइव का हम लोग सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 32 माइनस वन, नीचे कितना 32, 32 में से वन गया कितना बचेगा फ्रेंड्स 31, नीचे कितना 32। अब इसका करें क्या, इसका करना कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है 12, तो ये पावर हो गई इसकी 12, तो ये इसका आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी था, ऐसा कोई इंटरनल शॉर्ट नहीं, इसको क्या रख देना पावर में रख देना। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कितना है 5 5 5 5 5, कितनी बार है 5 बार, तो रखना कितना है 5 रखना है पर 5 रखना है, तो ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा हम लोगों को और सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 5 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 32, सिंपल सा था आंसर, खत्म। नेक्स्ट वन करते हैं 420 420 420 420, इनफाइनाइट भी नहीं प्लस माइनस भी नहीं है, कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल इजी है, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दो, क्या है 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर n, क्या है कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो इसकी पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना 16, तो 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, तो आपने माइनस किया कितना है 15 डिवाइडेड बाय 16। अब इसका क्या करें सर, इसका कुछ मत करो, 420 को नीचे लगा दो, 420 को नीचे लगा दो, मतलब इसका आंसर मिल गया 420 की पावर 15 अपॉन 16, इसका क्या मिल गया आंसर मिल गया। बिल्कुल इजी था, ऐसा कोई हार्ड नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे ही देता है अधिकतर, इतना इजी लगता है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट 12 मार्क करके आ जाता है, तो आप ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखें कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उन क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करें उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 7 7 7 7, कितनी बार 7, 1 2 3 4 5 5 टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा था, तो सिंपल सी कैलकुलेशन निकाली थी हमने, सॉल्व किया, क्या मिला 31 अपॉन 32, तो 7 की पावर कितना हो गया 31 अपॉन 32, ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया। कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करो इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, राइट। चलो देखते हैं इसका टाइप 5, टाइप 4 के बाद अब सीखते हैं टाइप 5। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब टाइप 1 सीखा था तो उसमें तो ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा प्रश्न था, तो बड़े इजी वे में कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन, बोला सर ये तो हम सीख चुके हैं, तो इसका करके बताओ, इसके फैक्टर ही नहीं होते हैं, अब कैसे सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर होते थे बड़े मजे से करते देते हैं कि सर 3 × 2 6, इसमें से माइनस किया तो इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 6 भी आ रहा है और पॉजिटिव है, इसलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ा मजे से आंसर निकाल देते थे, यदि माइनस होता था तो बोलते थे 2 इसका आंसर हो गया। अब 7 है, अब 7 के फैक्टर ही नहीं होते हैं, अब कैसे आंसर निकालेंगे, देखिए आंसर निकालने का कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला डेवलप कर रखा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, 4x + 1 / 2, राइट, ये रूट के अंदर, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा +1, कैसे याद रखना है 4x + 1 रूट के अंदर +1/2 / 2, बस सिंपल सा काम खत्म। x है, x से यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई होगी वो x की वैल्यू यहाँ पर उठा के पटक देंगे, पटक है, चलो पटकते हैं, तो क्या मिला हमको 4 मिला, x की जगह कितना है 7 + 1 और ये जो है बाहर के साइड में 1 / 2, ठीक है, ये कितना हो गया / 2, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको अप्लाई करते हैं, कितना हो गया हमारे पास में 28 + 1 = 29 + 1/2, बस सिंपल सा इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस के अंदर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4x + 1 आंसर तो वही है, केवल यहाँ जो बाहर वाला जो ऐड हो रहा था आपके प्लस वन हो रहा था, यहाँ पे क्या कर देना माइनस लगा देना, सिंपल सा आंसर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 7 + 1 / 2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 + 1 = 29 - 1/2, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी सा था, तो जहां पर फैक्टर होंगे वहां पर तो हम यूज कर सकते हैं इस मेथड को, अदरवाइज यहाँ फैक्टर ही नहीं हो गए तो फिर ये वाला मेथड ही हमारे यूज में आएगा, काम में आएगा, इसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं करने का,
बिल्कुल सिंपल सा है, सॉल्व हो जाएगा राइट। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं रूट टू वाला। जैसा क्वेश्चन दे दिया आपको, टू प्लस रूट टू प्लस टू प्लस टू प्लस डेट 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 नाम तक दिया, आपको इनफाइनाइट तक दे दिया। इसके फैक्टर करिएगा कितना आएगा फैक्टर, वन इंटू टू पॉजिटिव, इसलिए टू इसका आंसर। अब इसी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करके देखते हैं, पॉजिटिव साइन है तो 4x प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू राइट। तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना लिख देना है, 2 लिख देना है, 2 लिख दिया हम लोगों ने डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर कितना है प्लस वन है तो प्लस वन लिख दिया। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 टू जगह 8, 8 और 1 9, तो रूट 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू, तो रूट 9 का कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 3 और 1 4 अपॉन 2 कितना देगा 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर भी यही है फ्रेंड्स, प्लस होने के कारण आंसर भी यही है, और इसका आंसर भी हमारा क्या निकला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये निकल के आ गया, किसका मतलब हमारा आंसर सही है और इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप के अंदर, टाइप नंबर 5 हो चुका है हमारा, नेक्स्ट टाइप टाइप 5 के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 6 को, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है कि 49 है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख देंगे, जब 7 इसके अंदर ऐड होगा तो ये हमको क्या देगा 36 देगा, जब 36 रूट के बाहर आएगा तो हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, जब 6 19 में ऐड होगा तो हमको 25 मिलेगा, 25 मिलेगा रूट के अंदर, रूट के अंदर 25 मिल गया। तो अब जब इससे बाहर आएगा 25 से रूट के तो क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, 5 किस में ऐड कर देंगे हम लोग 11 के अंदर ऐड कर देंगे। अब जब 11 के अंदर हम लोगों ने 5 को ऐड किया तो हमको मिला 16, 16 जब रूट के बाहर आएगा तो हमको क्या देगा 4 देगा, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, हमको मिला है रूट के अंदर 9। तो सिंपल सा है, इसका आंसर कितना हो गया 3। बहुत ईजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कर दे तो क्या होगा, कुछ नहीं हमको पता होना चाहिए, इसको तैयार होना चाहिए हमको ठीक है। तो इसका हो गया कितना 17, रूट के बाहर आएगा तो हमको क्या मिलेगा 17 मिलेगा, जब 17 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 361 जो कि होता है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होगा। तो जब 19 का इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 529, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 23 का। तो सिंपल सा था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 529 किसका होता है 23 का, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हो गया 12 का, तो जब ये बाहर आएगा तो हमको क्या देगा 12 देगा, 12 करो इसके अंदर एड तो हमको मिलेगा 64, अब 64 किसके अंदर मिला हमको रूट के अंदर, जब ये बाहर आएगा तो हमको क्या देगा 8 देगा, 8 को करो इसके अंदर एड तो हमको मिला 256, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये किसका होता है 16 का, ये किसका होता है 16 का, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग इनको याद करने का कोई मेथड ही नहीं रखते हम लोग, बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल सा पैटर्न है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक यू।